नमस्कार, नवतेज डिजिटल में स्वागत है। फिरोजपुर क्षेत्र में लगातार लड़ाई झगड़े, हमला व लूट की वारदातें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वहीं इस तरह के एक मामला फिरोजपुर के अधीनाते गांव महलम में घटा है, जहां कांग्रेस पार्टी की मौजूदा सरपंच के घर वाले सुरजीत सिंह ने अकाली दल के साथ संबंध रखने वाले वर्करों पर हमला करने का दोष लगाया है। अस्पताल में कांग्रेसी सरपंच के पति ने बताया कि वह अपने रिश्तेदारों की दुकान पर बैठा था कि पहले ही मामूली झगड़े की रंजिश रखने वाले इस व्यक्ति की तरफ से उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। उसने कहा कि हमलावरों के पास रांडे कृपाणों और बरसाती हथियार थे, जिसके साथ वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद उसको फिरोजपुर के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहीं दूसरी तरफ जब इस संबंधित पुलिस के साथ बातचीत की गई तो जानकारी देते हुए गुरचरण सिंह ने बताया कि दो धड़े दरमियान लड़ाई हुई है और दोनों गांव महलम के निवासी हैं। दोनों धड़े सिविल अस्पताल फिरोजपुर में दाखिल हैं और उनके बयान दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। समझाने की बजाय आए आ 13 बंदे जी, 13 बंदे को हत्थां च रारां तिरपाना आंदे इन्हां दुकान ते हमला करता जी। अकाली पार्टी के बंदे जी कौन एक तो है छिंदर सिंह नहीं जी, दूसरी अकाली पार्टी के लोकल बंदे जी। दोवें परिवार दुकान करते हैं गद्दे बिस्तर की जी, उस दुकान तो लैके गाहकों के आने जाने इन्होंने दोनों धिर की आपस में लड़ाई हुई जी। दोवें धिर दाखिल ने सिविल अस्पताल फिरोजपुर, MLR इन्होंने सिटी फिरोजपुर थाने तो हासिल कर लिया जी। बयान लिखने वास्ते सिविल अस्पताल फिरोजपुर पुजे। हरिद्वार के मसूर घाट हर की पौड़ी में बहने वाली गंगा को उसकी खोई हुई पहचान वापस मिल गई। तीर्थ पुरोहित का 63वें दिनों में चल रहा धरना भी खत्म हुआ। दरअसल 2016 में हरीश रावत की सरकार ने हर की पौड़ी पर गंगा को स्क्रैप चैनल का नाम दे दिया गया था। इससे यहां बहने वाली गंगा के जलधारा को नदी न मानकर नहर का दर्जा दिया गया, जिसका चारों तरफ विरोध हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि हरीश रावत को इसी कारण चुनाव में मुंह की खानी पड़ी और सरकार से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक होने माफी मांगी और गंगा को उसका सम्मान दिलाने की सरकार से गुहार भी लगाई। आंदोलन 63 दिन चला मतलब, और ये महामना के पद चिन्हों पर आंदोलन चला और इसका श्रेय माँ गंगा जी को, तिरुपुरोहित समाज को, जिन लोगों ने, संस्थाओं ने 63 दिन हमें अच्छी तरह सहयोग किया। पिछले 4 सालों से गंगा को एक कैनाल के रूप में सरकार ने दिखा रखा था, उसको आज कल अपनी गलती सुधारते हुए पुनः गंगा, मोक्षदायिनी गंगा के रूप में पुनः स्थापित किया गया है। इसकी मांग पे आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से कर रही थी, उसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन। पूरा तीर्थ पुरोहित समाज और माँ गंगा के प्रति आस्था रखने वाले, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का जो सम्मान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्कैप चैनल का जो शासनादेश हरीश रावत की सरकार के द्वारा किया गया था। खबर पंजाब के धूरी से है। धूरी की भारतीय किसान यूनियन एकता की ओर से धूरी से दिल्ली कुछ करने की तैयारी। वैसे तो ऑडियंस बिल के खिलाफ किसानों को आज 93 दिन हो गए सड़कों पर बैठे हुए, जिसको लेकर अभी तक केंद्र सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी, जिसको लेकर 2 बार हुई मीटिंग जो की बेसिटा निकाली है, जिसको देखते हुए अब लगभग 500 जथेबंदियों ने दिल्ली कुछ करने की तैयारी की है, जिसमें औरत बच्चे भी शामिल है। और वो कहते हैं कि अब तो केंद्र के साथ करो या मरो की स्थिति आ गई है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, जिसको लेकर धूरी से जत्थे चलने शुरू हो गए, जिसको लेकर आज पैदल भी धूरी से रैली रूप में दिल्ली जाने के लिए शुरू हो गई है। हजारों की गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੂਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਜਾਣਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਲੈਣ ਤੇ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ! ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ! खबर पंजाब के फिरोजपुर से है। मंडल रेल प्रबंधक राजेश अग्रवाल ने बताया कि 24 सितंबर से किसान आंदोलन के कारण फिरोजपुर मंडल से चलने वाली स्पेशल ट्रेन, जिनमें से कुछ रद्द तथा कुछ को आशंका रूप से रद्द करके चलाया जा रहा है, उनका संचालन शुरू कर दिया है। उन्होंने किसान भाइयों को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब की जनता की परेशानियों को देखते हुए तथा पंजाब के मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर उन्होंने रेल विभाग को संपूर्ण परिचालन के लिए सहमति दी है। उन्होंने बताया कि शनिवार की शाम को जैसे ही यह सूचना को मिली तो RPF एवं GRPF ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया।
फिरोजपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले पंजाब तथा जम्मू एवं कश्मीर तथा संपूर्ण ट्रैकों की फिटिंग की पूर्णता जांच की गई है। वहीं ट्रेनों का परिचालन 2 महीने से बंद थी। आज दिन के 12 बजे तक जांच करने के पश्चात यही सुनिश्चित किया गया कि ट्रेन परिचालन संभव है। खबर उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की है। चोरी की खरीदी हुई मोबाइल से सोनार से 3 लाख रुपए रंगदारी मांगना 2 बदमाशों को महंगा पड़ गया। दरअसल बदमाश ने 270 रुपए में जिस चोरी के मोबाइल को सिम के साथ खरीदा था वो मोबाइल सतनकबीर नगर जिले की ब्रिगेड विभाग में तैनात सिपाही का है। पुलिस ने सर्वेलांस की मदद से आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से है। जनपद सिद्धार्थ नगर के बासी कोतवाली अंतर्गत बासी बेलोहा मुख्य मार्ग के पचपेड़वा चौराहे पर संदीप दुबे सारस्वत खाद बीज भंडार की दुकान का बीती रात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर लाखों का सामान उड़ा लिया। पीड़ित संदीप दुबे के अनुसार सुबह जब वह दुकान पर पहुंचे तो शटर का ताला टूटा देखा और दुकान के अंदर का नजारा चोरी की कहानी बयां कर रहा था, जिस पर उन्होंने PRB 112 को फोन कर घटना की जानकारी दी। संदीप ने बताया कि 56 बोरी गेहूं के बीज, 20 बोरे TAP, DAP खाद, 35 बोरे यूरिया सहित अन्य उर्वरक कीटनाशक एवं स्प्रे मशीन उठा लिए गए हैं। दुकान का नाम सारस्वत खाद बीज भंडार है और हमारे यहाँ कल रात में चोरी हो गई लगभग 56 बोरी गेहूं बीज, 20 बोरी के आसपास DAP और 50 बोरी यूरिया चोर लोग ले गए। खबर टीकमगढ़ की पलेरा की है। पलेरा नगर के शासकीय कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल संकुल के अंतर्गत आने वाले अर्ध शासकीय कल्पना हाई सेकेंडरी स्कूल में जो अभी कक्षा 9वीं 12वीं तक के बच्चों के रिजीवन टेस्ट चल रहे हैं, वहीं जिसमें छात्र छात्राओं की संख्या कक्षा 9 से 113 बच्चे, कक्षा 10 में 171, कक्षा 11वीं में 119, कक्षा 12वीं में 114, जहाँ जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। एक दूसरे के बगल में खड़े होकर बच्चों को कॉपियां दी जा रही और कलेक्टर महोदय के आदेश के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जब इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी S. वरकड़े से बात की तो उन्होंने कहा कि BO से इस मामले को दिखवाते हैं। जब हमसे संकुल प्रभारी प्राचार्य महेश रावत ने बात की तो उन्होंने कहा कल्पना हाई सेकेंडरी स्कूल में 570 बच्चे हैं, अगर इनके द्वारा कोई गलती की जाती है तो इन पर कार्यवाही की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार समस्त विद्यालय प्राचार्यों को आदेश जारी कर दिए गए थे एवं व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया गया था कि जो भी परीक्षा देने बच्चे आएँ विद्यालय में मास्क पहन के आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ में सैनिटाइज हाथों किया जाए। यदि कल्पना हाई सेकेंडरी विद्यालय में 517 बच्चे जो अध्ययनरत हैं 9 से 12वीं तक, वो इनकी परीक्षा के रिवीजन टेस्ट चल रही हैं, यदि इनके द्वारा कोई गलती की जा रही है या शासन के आदेशों की अवहेलना की जा रही है तो इनकी जांच की जाएगी और इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भ्रष्ट अधिकारी को लिखा जाएगा।